दोस्तों मैं उमा शंकर शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल USSODR सतीश में। ये मत समझना गुरु जी ने नाम चेंज कर लिया है, नाम अपने चैनल का वही है। USSODR सर का मतलब वही है, USS उमा शंकर शर्मा ऑफिशियल। अगर अब भी आपको सब्सक्राइब नाम उसी सर्च करोगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है तो बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये आपको तंग करेगा अभी तक। हमारा टॉपिक का नाम है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। कुछ नहीं आता है तो भी कर दोगे, कुछ नहीं आता है ना तो भी कर दोगे। नहीं आते हैं तो ट्रेंड्स वाली वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के लिए डाल रखी है, वो जाके आप देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको इतने कमेंट आते हैं उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि क्या एक पर्सनल वीडियो बननी चाहिए ट्रेंड्स के लिए। सिखाना मेरी जिम्मेदारी, पूरा समझ आएगा बिल्कुल। आप मसूद कोई हमने आज तक नहीं सीखे, ऐसे बहुत सारे बच्चे आए ऑफलाइन कोचिंग में जो नहीं जानते थे और वो सीख गए, तो थे भी सीख जाओ चिंता ले भाई। कोई जितना सोचोगे उतनी दिक्कतें बढ़ेगी, तो सोचना तो यही नहीं, बस चलते जाओ, आपका काम होते जाएगा और अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक गाना बहुत अच्छा जो आप लोगों के लिए पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, तुम लोगों के लिए ये इससे पहले की याद तू आए मेरे लबों से फिर लहू जाए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। बस तुम्हें कहीं नहीं जाना, शहर छोड़ के रटर पटक देंगे, ऐसा पढ़ाऊंगा किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। बस जब समझ नहीं आता करना क्या, देखो एक साथ में पूरी डायट डायट आप नहीं पढ़ पाओगे पहली बार में, और समझना भी मुश्किल है। तो जब हमारे कोई चीज समझ नहीं आती है उसे टुकड़ों में बांट लेते हैं, तो पहले क्या पढ़ना है, जैसे एक रूल कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा कंप्लीट कर लिया, फिर तीसरा कंप्लीट कर लिया, हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चलेंगे। और आपको भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, सोचो कि सारों के ऊपर हम पढ़ लोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप अब चलो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज ध्यान से सुनो, नोट्स बनाते चलना, क्योंकि जब एग्जाम आएगी तो उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि पूरी किताब को रिवीजन मारोगे, नहीं तब यही काम आएंगे आप लोगों के लिए। तो मैं बता रहा हूँ एक एक रूल, आप लोगों को एक साथ याद नहीं होंगे क्योंकि हमको भी नहीं होते हैं, तो आपको कहाँ से होंगे। तो टुकड़ों में याद करना है, पीछे कुछ रूल लिखे हुए हैं, एक एक करके याद करने हैं, ठीक। आज याद कर लोगे आगे जाके कॉम्पिटिशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो 25-25-30 ज्यादा ही पढ़ोगे फिर भी समझ नहीं आएगा, ठीक। अब देखो क्या क्या चीजें हैं जिनमें बदलाव आएंगे, पहले तो वो देखते हैं। इधर आओ, आपको आज मिलेगा ही सेड टू मी, उसके बाद ये चीज नजर आएगा, फिर आई एम रीडिंग बुक, जो ऊपर वाला वाक्य है उससे हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्क, और नीचे वाले बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे तक मैं बताऊंगा तो मैं ऐसे बताऊंगा रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, ऐसे बताऊंगा। तो इनमें चेंज होंगे, हमेशा जो परिवर्तन आएगा वो ध्यान रखना बच्चों, जो परिवर्तन आएगा वो हमेशा और हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। जो चेंज आप आएगा हमेशा, वो चेंज हमेशा और हमेशा इस रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, न कि इस रिपोर्टेड वर्ब में, उसके अनुसार तो होगा, समझ गए। ऐसे ध्यान नहीं दे तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपके लेफ्ट हैंड है जिसे बाएं हाथ कहते हैं उसकी तरफ हमेशा ही रिपोर्टेड वर्ब होगी, और आपका जो सीधा हाथ है इसकी तरफ हमेशा ही रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक। अब देखो चेंज रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, ठीक गुरुजी किमी चेंज होगा, एक प्रोनाउन बदलना पड़ेगा आपको, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे चलना है। जैसे जब आंख बंद करो ना एग्जाम में तो ये सीरीज चलनी चाहिए, सर ने बताया था चेंज प्रोनाउन में, फिर वर्ब में, फिर कुछ शब्दों में, ठीक। प्रोनाउन में चेंज होगा, वर्ब में चेंज होगा, कुछ शब्दों में, रट्टा मार लो, आंख बंद करो, बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही समझ आना चाहिए। सबसे पहले सर ने प्रोनाउन बताया, फिर उन्होंने कहा वर्ब में परिवर्तन करना है, फिर उन्होंने कहा कुछ शब्द आए तो उनमें परिवर्तन करना है, गुरुजी यहां रट लिया देखो, ठीक। इसके बाद देखो जब रिपोर्टेड वर्ब में, मतलब ये आपका बाएं हाथ वाली में क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, सॉरी
जब इंपोर्टेंट वर्ब में सैड या हंस कर लिखा हो, यहाँ पर देखो लिखा सैड या सैड या फिर हंस कर लिखा हो तो वर्ब में परिवर्तन करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे, ये बात रख लेना। अगर सैड और हंस कर यहाँ है तो वर्ब में परिवर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर से सेज आस या विल सेज होगा तो नो चेंज, इसका मतलब अरब में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है बुझे कौन करना था? आगे देखो प्रोनाउन में चेंज, ये महत्वपूर्ण है इसे रख लेना। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, मैं आगे बताऊंगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, कहने का मतलब आपका जो सीधा आता है उस वाले में अगर फर्स्ट पर्सन है तो आप क्या करोगे, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दोगे। जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल दोगे, अगर यहाँ सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दोगे। गुरु जी मार तो कि नहीं बदल पड़ी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होते क्या है? देखो बेटा आई और बी दोनों आपके फर्स्ट पर्सन है, क्या है आई और बी, रख लेना दो, दोनों आपके फर्स्ट पर्सन है। जो यू है आपका वो सेकंड पर्सन है, तो यहाँ यू होगा तो इस मी के अनुसार बदल देंगे, अगर यहाँ आई या बी होगा तो इस सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। बदल दोगा? हाँ बदल जाएगा। चलो आगे, और गुरु जी थर्ड पर्सन हुआ तो, थर्ड पर्सन हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है उसका वही रह जाएगा। समझ आ गई? रट्टा मारो, आंख बंद करो, करो रटिए। कैसे रटे? सीधा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, प्रोनाउन में परिवर्तन ऐसे हो जाएगा, पता चल गया। वर्ब में कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा, उसमें अगर सेड या आस कट है तो हम चेंज करेंगे, अगर से सेज भी है तो चेंज नहीं करेंगे। किसमें? वर्ब में। रट्टा मारो अभी, भाग के कल में छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो वर्ब में परिवर्तन, अब मुझे पता है एक साथ याद नहीं होंगे तो पहले इस वाले पेज को रट्टा मारना है, उसके बाद इस वाले को मारना है, उसके बाद इस वाले को मारना है, ऐसे भी तीन मार लोगे। ठीक, अब सेकंड भाग हम, अब वर्ब में देखो कैसे कैसे परिवर्तन करना है। अगर टेंस जानते हो तब तो थाने की दिक्कत कोई, और नहीं जानते टाइम बहुत, अभी अपने वीडियो डाल रखी है, जितने कमेंट आए उसके आधार पर एक नई वीडियो बन जाएगी, तीन एक महीने का कोर्स दो ढाई घंटे में कवर तुम आप लोगों को। ठीक, और नहीं आते हैं और थे नहीं सीखो चाहो तो फिर सीधे सीधे इनको रट्टा मार लेना। फिर ये गुरुजी तुम गुरुजी रट्टा सलाह दे रहा हूँ, हाँ सही बात है, समझ समझ में किमी बन रखे, रट्टा मारना पड़ेगा। एक बार रट्टा मार लिया समझ लीजिए मैच होती है, वो होते हैं इसे रटना ही पड़ेगा। देखो अगर वर्ब में फर्स्ट सॉरी अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगा। अब ये तो तुम्हारा रट्टे वाला हो गया, जो बच्चे टेंस जानते हैं वो सीखो। अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो उधर आकर के पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट किसे बदलना है पास्ट में, ये ध्यान रखना सीधे सीधा। अगर डू डज के साथ नॉट लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में होता है, तो डू डज के साथ नॉट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डिड लगा करके और नॉट लगा करके, मतलब डू डज को डिड कर देना है, नॉट का नॉट रह जाएगा और फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आगे समझ, और ऐसे देखो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव बदलना है, मतलब प्रेजेंट का पास्ट करना है। अगर इस एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। समझ गया नहीं? समझे? देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलना है। अब देखो अगर हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो किमी कौन करना, ये हैड के साथ तुम्हारी थर्ड फॉर्म वापिस लगा देनी, बस सीधा है। कहने का मतलब प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यू परफेक्ट आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट ही रहने देना है। ठीक, अगर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगी इसका तो ध्यान रखना तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, या अगर देगा फिर डू नहीं देगा यही देगा। ठीक, आगे देखो ये इधर का देखो डिड यहाँ नहीं है, यहाँ डिड एक बार आया है। अगर इस रिपोर्टेड वर्ब वाली यहाँ डिड दे रखा है फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो ध्यान रखना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखते हैं अगर हैज हैव या हैड के साथ बीन लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई नहीं दे रखा है, जी यहाँ में क्यों नहीं बदलना पड़ेगा,
देखो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देना है। एड प्लस बीन प्लस मैंने क्वेश्चन के साथ आईएनजी अब गुरुजी थे हमारे मतलब मारे की नहीं समझ पा रही टेंस नहीं जानते सीखना बाकी नहीं तो ऐसे रट्टा मारना ही पड़ेगा और ऐसे समझो कुछ दो दिनों में छोड़ जाऊंगा ट्रक को पड़ा हूं बहुत पड़ेगा क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बस देखो विल और सेल है इसका ध्यान रखना ये मॉडल है मॉडल वाली वीडियो में डाल रखी है नीचे कमेंट वो सॉरी डिस्प्ले से ना आपको लिंक भी मिल जाएगा वहां से आप सीधे पहुंच जाओगे। तो विल और शेल अगर विल आ रहा है तो वुड हो जाएगा शेल आ रहा है तो शुड हो जाएगा अगर कैन आ रहा है तो वुड हो जाएगा मे आ रहा है तो माइट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत कुछ ये देखो ये है फर्स्ट पर्सन आई और बी ये है सेकंड पर्सन यू और ये है थर्ड पर्सन ही सी ठीक हाँ बोलिए ठीक। अभी मैं चेंज थोड़ा ध्यान रखना सब्जेक्टिव केस पजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस तीनों केस है हाँ बोलिए सीधे रट्टा मार लेना नहीं तो नहीं मार सको तो प्रोनाउन वाली मैंने पर्सनल वीडियो डाल रखी है लिंक नीचे मजा आ जाएगा देख करके एक बार देखना तुम भी क्या याद करोगे। देखो आई अगर पजेसिव में चेंज कर लो आई माई मी ऐसे सीधे रखना एक साथ आई माई मी आंख बंद करते ही ये चार्ट सामने आ जाना चाहिए आई माई मी वी आवर अस वी आवर अस वी आवर अस सेकंड यू योवर योगे तो सीधा ये भी फर्स्ट भी सेम रहता है थर्ड भी सेम रहता है बीच में आ रखना है बस कोई ज्यादा दिक्कत नहीं इसकी तो ई का हिज और हिम हो जाएगा ठीक है कुछ हो जाए सी का हरे हरे देखा दियर दियर इसका कोई इस्तेमाल है नहीं लेकिन डरते ना इतनी चीज ठीक यहां तक था ना कि मी दिक्कत को आंख बंद करो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन नो चेंज सैड आस्कर लिखा है वर्ब में परिवर्तन सैड आस्कर नहीं लिखा है वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करता था ये दिक्कत है रे हैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट ठीक कैन पुट कैन का पुट हो जाएगा मे का माइट हो जाएगा और बाकी जानो समझदार सेल का शुड हो जाएगा यहां भी कोई दिक्कत नहीं है आई माई मी वी आवर आवर यू योर योर यू योर यू बस अब करना क्या है देखिए बच्चों कुछ वर्ड बच्चे उनकी चीज बता देता हूँ तुमको बस आते तो नहीं है कभी कभी आ भी जाते हैं तो अपन तो सारा मैटर कवर करके चलेंगे उधर देखिए ये क्या है भूचे थे दूर से मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच में लाइट जाने की वजह से समस्याएं आ गई है क्योंकि वर्ड क्लियर कौन दिखा तो खिड़कियां खोलनी पड़ी है तो अभी अपन उतने संपन्न नहीं है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे इन्वर्टर लगाए एचडी लाइट यू तो ऐसा नहीं है चल रहा है अपना काम तुम्हारा भी चल रहा है दोस्तों के साथ शेयर कर देना पसंद आया तो यार मेहनत तुम लोगों की इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। चलो छोड़ो अपनी बातों को अब तो ऐसे हाथ भी नहीं फेर सकते क्योंकि इस समय हम स्कूटी बन रहे हैं। देखो वर्ड में आपने क्या क्या चेंज करना है गुरुजी ये है डी फॉर डायरेक्ट ये फॉर इनडायरेक्ट डायरेक्ट में ये वर्ड आपको मिल जाएंगे पेपर में थाने अगर आ गया तो क्या अगर दिस आ गया तो दैट कर देना क्या दिक्कत है और कुछ दीज आ गया तो दोज कर देना अरे हियर आ जाए तो दियर कर देना और नाउ आ जाए तो देन कर देना और एगो आ जाए तो बिफोर कर देना और टू डे आ जाए तो दैट डे कर देना टू नाइट आ जाए तो दैट नाइट कर देना टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे कर देना और यस्टरडे आ गया तो गुरुजी यस्टरडे आ गया तो फिर विश डे कर देना आने वाला दिन फिर तो गुजर गया सूर्य आ रहा है जो और लास्ट नाइट है या लास्ट वीक है या लास्ट मंथ है या लास्ट ईयर है तो हमेशा ही ध्यान रखना प्रीवियस डे प्रीवियस वीक प्रीवियस मंथ लास्ट पे आपको प्रीवियस करना है ध्यान रखना अगर नेक्स्ट वीक है तो फॉलोइंग अगर नेक्स्ट आ जाए तो फॉलोइंग करना है और अगर लास्ट आ जाए तो प्रीवियस करना है थोड़ी सी ध्यान रखना। अब मैं एक एक को चेंज करके बताता हूँ बेटा सबसे पहले जो टाइप आई उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस ये कौन से आगे इसका मतलब है बच्चों कि साधारण वाले जो है ना ये एग्जाम में ज्यादा आते हैं
ठीक है ना। अगर यहां से टू है तो टेल में चेंज होगा, सेज टू है तो टेल्स में चेंज होगा, सेट टू है तो टोटल चेंज होगा। ठीक है मुझे, ठीक है चलो पेन में उठा लेता हूं, आप लोग बस पीछे वाले रूल ध्यान रखो और चुटकियों में इसे सॉल्व कर देंगे, थोड़ी दिक्कत आएगी उसका आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, सबसे बेटर वर्ड सिखाना, यू से टू हिम, यू से टू हिम आई विल गिव यू बैक, आई विल गिव यू बैक। इधर वाला क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। इधर वाला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। नियम ध्यान रखना, प्रोनाउन वाले वर्ब वाले कुछ शब्द वाले तीन से तीन रट्टा मार लेना। देखो यू तो यू का तो यू से किस में चेंज होगा, आओ कुछ माना बेरो कौन बेटा है। देखो से टू टेल में चेंज, ये टू कट जाता है तो क्या हो जाता है टेल, एम एम का एम उचितम पहले हजार क्यों लिख रहा है, लाइट नहीं आ रही फिर छोटा पड़े संपल दिखाओ। ये जो चिन्ह आएगा ये आपसे कह रहा है मैंने कनेक्ट कर दे, मैं जोड़ दो, सिंगल सिंगल हूं मुझे किसी के साथ जोड़ दो, तो ये जोड़ने का काम करता है। तो फिर जोड़ेगा कौन, कंजेक्शन, कौन जोड़ेगा कंजेक्शन, कंजेक्शन इस्तेमाल होगा इसमें दैट, तो इसकी जगह क्या लिख देना है दैट दैट। यहां तक हर बच्चा कर देना चाहिए। अब जो काम करना है बच्चों वो यहां से करना है, यू के बाद से है, क्या है से। मैंने कहा था बच्चों याद करो, अगर सैड और आस्कड है तो वर्ब में परिवर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो से है तो वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन तो चेंज करनी पड़ेगी। ये क्या है बच्चों, गुरजी रट लिया हमने ये काम किया है। अब आप भी थोड़े आगे से देख रहे हैं, बस पहले एक ही चीजें क्लियर की हमने, यह पूरी जाना फर्स्ट पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यू, यू का सब्जेक्टिव रूप, अरे खुद यू ही है, यू खुद ही सब्जेक्ट है तो क्या आएगा यू, यू गुरजी ये बिलू ने चेंज करा ना के में जरूरत कौन, क्योंकि वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बिल का बिल, गिव का गिव, यू का यू और बैक का बैक। गुरजी थाली से कौन समझा रहे हो, अब तो पेपर को नस्ता नाबूद कर देंगे। देखो आगे देखते हैं, ई का थोड़ा इधर आ ही जाता हूं, चलो सुंदर आप इतना सब, ई का ई सेड टू, सेड टू किस में चेंज होगा टॉल में, टोल्ड में। मी का मी कंजक्शन दैट दैट। अब ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, दिस इज सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी मी का क्या हो जाएगा आई, क्योंकि मी का सब्जेक्ट रूप क्या है आई, अरे रट्टा मारो पीछे था ना आई मैं मी, तो आई सब्जेक्ट रूप आई आएगा। बॉस अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दे रखा है तो सेकंड में चेंज कर दो, गुरजी माने दे रही है डब्ल्यू ए एस एच जिसकी सेकंड फॉर्म नहीं है इसे क्या कर देना योर फेस। अब यहां तुम डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे कहना और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है घुमा फिरा करके कहना। जैसे किसी ने कहा कि उसने मुझसे कहा कि जिम में जाना मैं मुंडो धो ले, अब मैं क्या कहूंगा किस तरीके से कहूंगा, मैं कहूंगा कि उसने मुझसे कहा कि तुम अपना मुंह धो लो जिम में जाना, ठीक तो मैं अपना मुंह खाऊंगा, उसने यहां दे रखा योर फेस तुम्हारा मुंह, तो योर हमेशा ही माई में चेंज होगा, ध्यान रखना क्या आएगा माई और फेस का फेस। लो बताओ क्या दिक्कत आई गुरु जी, किमी बनाई राम सैड टू मी, राम सैड टू मी, राम का क्या हो जाएगा राम, राम सैड टू टोल्ड, टू कट जाता है ध्यान रखना टोल्ड में, मी का मी, यहां क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा मी का आई,
लेकिन इससे पहले गलती हो गई है, वो क्या हो गई है गुरुजी, गलती था ना ये कर दी, कंजेक्शन तो लगाओ इससे पहले, दैट ध्यान रखा करो ऐसे, दैट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा अब आएगा गुरुजी आए, यहां सुर दे रखा है, जबकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर सेल दे रखा है तो सुर में चेंज कर देता है, पिछली बार एग्जाम में हुआ था बच्चों ने इसे वापस चेंज कर दिया, सुर आया तो वापस सेल कर दिया, ऐसे नहीं करना है, कुछ चीज में आपको पहले चेंज कर देते थे थे मत करो करो, तो सुर का क्या हो जाएगा खुद सुर, और बरक ये बरक और हार्ड का हार्ड बताओ क्या दिक्कत है, इसकी सोल्व लीजिए करो ठीक है ना। इसके बाद अगला देखते हैं सी ता, क्या है सीता सेड टू मी, सीता का सीता सेड टू टोल्ड, मी का मी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो अब ये क्या आ गया कंजेक्शन क्या आएगा दैट, ये कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन आई और फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन, बस इसका ध्यान रखना हमेशा, अगर आई भी आए तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और अगर यू आए तो इस बगल वाले के साथ चेंज करना है ठीक, ये पड़ोसी के साथ, ये दूर वाले रिश्तेदार के साथ। सीता क्या है गुरुजी, सीता तो एक लड़की है, लड़की के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन गुरुजी सी, वांट मैंने कहा था और फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये सो फर्स्ट फॉर्म में वांट वांट को क्या कर देंगे वांटेड, वांटेड टू गो का टू गो ही नहीं, क्योंकि सेकंड फॉर्म में कोई चेंज जो दोबारा आई फॉर्म कोई उसमें चेंज नहीं है, टू गो टू। अब बताओ बच्चों यहाँ क्या है योर विलेज, योर विलेज को तुम लोगों को किसमें चेंज करना है, अरे तुम्हारा गांव तो मैं कहूंगा अपना गांव, एक बार चेक कर लेते कैसे, सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा आई वॉन्ट टू गो टू योर विलेज नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह तुम्हारे गाँव जाना चाहती हूँ, बस तुम्हारे गाँव तुम क्या हुआ कि सीता ने मुझसे कहा कि अगले सप्ताह आने वाले जो सप्ताह है उसमें वो मेरे गांव जाएगी, अब मेरे गांव के लिए क्या इस्तेमाल होता है पच्चीसवें केस में गुरुजी माई, क्या माई, और उसके बाद विलेज का विलेज विलेज का विलेज ये आ गया, लेकिन फंडा नेक्स्ट वीक देखो नेक्स्ट वीक कहाँ है गुरुजी, ये नेक्स्ट वीक को चेंज करना है फॉलोइंग वीक, तो क्या करोगे द फॉलोइंग वीक, यहां तक क्लियर गुरुजी क्लियर बताओ क्या दिक्कत है, ये थोड़ा दिखाई नहीं देगा तो बोलो उस पर थोड़ा फोकस कर लेना ठीक है, देखो आएगा आई ये दिख रहा होगा सैड ही में तू नहीं देगा कोई बात नहीं, हम सैड क्या कर देंगे टोल्ड, क्या कर देंगे टोल्ड, टोल्ड हिम का हिम, कंजेक्शन डेट कंजेक्शन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का आंसर, सब्जेक्ट क्या है आई, आई का सब्जेक्ट रूप आई खुदाई, अगर मैंने बताया था अगर हैज दे रखा हो हैव दे रखा हो या हैड दे रखा हो सब तरफ की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, थर्ड फॉर्म दे कुछ हैज है तो है, हैव को हमेशा किस में चेंज करेंगे हैड में, हैड में, और ए मैसेज का क्या हो जाएगा ए मैसेज, क्योंकि दिस इज ए नाउन मुझे नाम नाम बताओ ही कौन डाल रखिए वीडियो जाओ यार डिस्क्रिप्शन में करो शेयर द्रादर 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 चलते जाओ ट्राइफल। अब मैं तो इनमें से ही आएगा, देखो टेंथ वाले विशेष ध्यान रखना मैं तो यहीं से कहीं आ जाएगा, इसे अफर्मेटिव बोलते हैं, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का बड़ा ध्यान रखना है मुझे, मैं कैसे ध्यान रखूंगा देखो से टू रिटायर में से टू टेल्स में से टू बाकी तुमने तुम्हारे नियम पीछे दिखा रखे हैं, शब्द कैसे चेंज करनी है वर्ब कैसे चेंज करनी है प्रोनाउन कैसे चेंज करनी है और वर्ब कैसे चेंज करनी है मान ले रखता हूँ। अब इसके बाद में दो चार टाइप और बचेंगे वो मैं करवा देता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे आगे, चलो दोस्तों नेक्स्ट टाइप आगे अपनी नेक्स्ट टाइप नाम इंटरोगेटिव समाचार नमस्ते जहाँ पर जाती हूँ फाड़ रही। अगली टाइप है इंटरवेटिव, ध्यान से देखना इंटरवेटिव होगा रिपोर्टेड वर्ब में सैड होगा तो या वर्ब में क्या होगा किसी में भी ईडी लगाना पड़ेगा ठीक,
सेट या एडी। देखो अगर रिपीटेड वर्ब में से या आस्क है, क्या है से किसने होगा आस्क में, अगर से है तो आस्क में, अगर सेट है तो आस्कड में, आस्कड में। ये में ध्यान कंडीशन इस्तेमाल होगा, इफ, इफ कब इस्तेमाल होगा, जब ये इंटरोगेटिव होगा, जब डबल इंटरोगेटिव होगा तो कंजेक्शन डब्ल्यू पर कंजेक्शन काम करेगा। ठीक है वापस लिखो हमारे मेरे साथ, रिपीटेड वर्ब में अगर सेट है या वर्ब में क्या है ईडी है तो ध्यान रखना रिपीटेड वर्ब में अगर से है तो आस्कड, से है तो आस्कस और सेट है तो आस्कड आस्कड। ठीक कंजेक्शन इफ है और दूसरा कंजेक्शन नाम क्या है डब्ल्यू एच वर्ड। अब पहले वाला देखो अनी सेड टू मी आर यू रीडिंग बुक, सबसे पहले अनी का अरे आस्कड टू मी, अनी सेड टू हमेशा किसमें चेंज होगा आस्कड में, एस के ई डी टू मी टू कट जाएगा, मी कंजक्शन कौन सा है बताओ इंटरोगेटिव है गुड डे इफ है, इफ इसके बाद यू सबसे पहले कह लेना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है सेकंड सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी को चेंज करो आई, आई में रीडिंग बुक ठीक है आ रहे तो आई के साथ क्या आएगा एम वर्ब आएगा वर्ब रीडिंग बुक, आई वर रीडिंग बुक ठीक वर्ग कहां से आ गया पता है अगर मेन वर्ब अगर इधर इस एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी है तो वहां वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी हो जाएगा। देखो द टीचर सेड टू रमेश, टीचर ने रमेश से कहा विल यू वर्क नाउ, क्या तुमने काम कर लिया। देखो सबसे पहले द टीचर सेड टू द टीचर सेड आस्क्ड रमेश, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा आस्क्ड रमेश आस्क्ड रमेश विल यू कौन सा पर्सन है सेकंड रमेश क्या है रमेश एक आदमी है ही किसमें चेंज हो जाएगा ई में ई के साथ क्या आएगा बिली बिल बिल किसमें चेंज होगा बिल चेंज होगा वुड में वुड में वुड और वर्क नाउ का वर्क नाउ उर्जे नाउ को आएगा ना देन हल्का ले रहे नाउ चेंज होगा देन आगे देखो ई ये आस्कड है तो यहाँ पर देखो किसी मतलब नहीं बर्दी नाव को नाव कर रहा थी दैन करो ना अभी ये आस्कड मी वाई कुछ कंजेक्शन है वाई डिड वाई अगर डिड के साथ अगर भी सेकंड फॉर्म दे रही हो तो वाज वर प्लस वर फर्स्ट फॉर्म वाज वर हो एड के साथ अगर भी थर्ड फॉर्म एड के साथ कम टू me to me आगे देखो imperative sentence imperative sentence में आपको command दी जाती है या कोई सलाह दी जाती है या फिर कोई request की जाती है ये sentence में आपको वाक्य के आधार पर पता चल जाएगा context इस्तेमाल होगा to कौन सा to to अब ध्यान रखो the teacher said अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉयज लड़को ऑर्डर बैठ जाओ ऑर्डर दिस इज ए ऑर्डर ठीक द टीचर ऑर्डर द टीचर ऑर्डर टू ऑर्डर टू बैठो रहे सबसे पहले सब्जेक्ट बॉयज सिट का सिट और डाउन का डाउन कंप्लीट Complete. She said him, don't disturb me. उसने मुझसे कहा मुझे disturb मत करो ये क्या है request. This is a request. She request. Said question किसमें request. R-E-Q-E-S-T-E-D. Requested. Him. To. Him. To. Don't disturb. Don't लगा दें चाहो तो not लगा दें right सीधा भी सकते हो. Not. Not disturb. Is it not to be आ चने हाँ not disturb me me सीधा लिख सकते हो डॉट लगा कर लिख सकते हो अंदर सही है yes sir देखो he said to me उसने मुझसे कहा he please bring me said to बता किसने जाना क्या है ये मुझे please
प्लीज बड़े प्लीज कटेगा प्लीज ठीक हाँ सर। ये क्या है कि रिक्वेस्ट है क्या मंगाने की पानी मंगवाने की क्या आएगा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट टू मी ब्रिंग मी एक ग्लास ऑफ वाटर टू ब्रिंग रिक्वेस्टेड पहले मी आएगा फिर कंजक्शन टू ये हट जाएगा अब आएगा टू ठीक ब्रिंग ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर ए ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर सबसे ज्यादा चांस है कि अफर्मेटिव से आएगा लेकिन फिर भी रट्टा दोनों मारना है इंटरोगेटिव और इंफिनिटिव इसके बाद दो टाइप बची हैं दो टाइप और करवा देता हूँ दो टाइप करवाने के बाद कंप्लीट खत्म कर दो अब दो टाइप भी बची हैं दोनों को भी क्लियर कर देंगे उसके बाद आप लोग एक साथ याद करना कभी को नहीं कोई बाप नहीं बोल गया तुम फंसूंगा तो एक एक टाइप आराम से पढ़नी है पहले प्रोनाउन कैसे चेंज होता है वो रटना है उसके बाद वर्ब में कैसे तुम लोगों को रटना है उसके बाद शब्दों में चेंज क्या होगा वो रटना है ये सारी चीज रट लो कंप्लीट उसके बाद पहली टाइप रटनी है साधारण वाली उसके बाद दूसरी टाइप रटनी है नेगेटिव वाली सॉरी इंटरोगेटिव वाली उसके बाद किस टाइप रटनी है उसके बाद फिर चौथी ऑप्टेटिव वाली रटनी है फिर ये पांचवी एक्सक्लेमेटिव वाली रटनी है एक साथ रट लो तुमको तुम्हारे बाप को याद नहीं होगा मम्मी को ना ठीक है ना इसलिए कहना आराम आराम से पढ़ो क्योंकि आएंगे चार नंबर लेंगे बढ़िया आएंगे अच्छे जिंदगी भर काम आएंगे ठीक है एक बार चेंज करना सीख गए तो फिर जिंदगी बढ़ जाएगी देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस इसीओ का मतलब पुलिस वाला सीओ नहीं है इसीओ का मतलब है कंजक्शन कंजक्शन कौन सा आएगा दैट अब ध्यान रखो सेट टू को चेंज किसमें करना है सेट टू ने चेंज करना है विश में या पीरियड में या तो विश किसी के लिए क्या मांगो दुआ या किसी प्रार्थना दोनों मंत्र है दुआ कैसे दोगे कि तुम हजारों साल जियो ठीक है तुम नौ के लग जाओ ये क्या है ये दुआ वो होती है और ये जो प्रेरित दुआ है ये जो दुआ है ये दुआ भगवान से किसी बचने के लिए की जाती है ना वो ये दुआ है भगवान प्रार्थना करते हैं ना इसको बोलते हैं वो ये प्रार्थना होती है ठीक ये सेड टू मी उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग कि तुम क्या जियो क्या तुम लंबे जियो रेंडो तो यहां से देखो ई का क्या रहेगा ई सेड टू बेटा किसमें चेंज होगा विश्व में या पीरियड में लेकिन तुम लंबे जियो यहां से वहां दे क्या आएगा क्या आएगा विष्णु टू को काट देना बच गया मी मी का मी कंजक्शन लो इसके बाद मी मत उठा लेना शुरू में ही क्योंकि मैं साधारण बनाना ये कौन सा पर्सन है सेकंड सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी को चेंज करो आई में और मैं किस में चेंज होता है अरे बोलो माइट में लिव का लिव गर्भ यहाँ चेंज होगी लिव और लॉन्ग का लॉन्ग लॉन्ग नो अगला देखो ई सेड टू मी सीधा रट्टा मारो ई जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही करने देखो सेड टू मी मे गॉड हेल्प मी भगवान तुम्हारी क्या करे मदद करे ये मेरे भगवान से क्या है प्रार्थना है क्या है प्रार्थना तो क्या आएगा प्रेयर आएगा टू कट जाएगा मी का मी आ जाएगा कंजक्शन कौन सा आएगा दैट दैट अबे गॉड ध्यान रखना ये कभी चेंज होती है ऐसे कैसे रहते हैं देवी देवता तो गॉड का गॉड जब देख क्या हो जाएगा माइट हेल्प का हेल्प यू का यू और यू का यू अब देखो बेटा लास्ट वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें लिखा कंजक्शन क्या आएंगे एक्सक्लेम तो आएगा लेकिन अगर तुम्हें किसी से मजा आ गया ना देखते हो मजा कर लड़की है मजा आओ तो आएगा एक्सक्लेम फिर जॉइन और अगर किसी से आप आश्चर्य देख करके किसी को साथ भी लेकर उड़ रहे उड़ रहे उस तब किसी ने आप सरप्राइज हो जाते हो ना तब ये उड़ रहा आएगा अगर कहीं दुख की बात है तो आराम से शोर आएगा ठीक है अंकुल जी है ठीक है ये स्टूडेंट सेड उस विद्यार्थी ने कहा अलास ये दुख वाली बात है माय फ्रेंड इज डेड मेरा दोस्त मर गया अब तुम देखोगे मेरा दोस्त मर गया नहीं तुम कहोगे उसका दोस्त मर गया कैसे कहोगे ई का ए स्टूडेंट का स्टूडेंट अब देखो सैड अलास है सैड अलास दुख वाली बात है तो क्या आएगा सैड को चेंज करना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड ई सी
L A I M E D exclaimed. कौन सी बात है? खुशी वाली है दोस्त, मर गया बहुत बढ़िया बात है। नहीं मुझे दुख वाली है तो लगा दो फिर सोरो। माई फ्रेंड माई किसमें चेंज हो जाएगा? मेरा दोस्त था ही का किसमें चेंज होता है हमेशा। इज में किसमें? इज में ही इज ही में इज फ्रेंड का फ्रेंड। और मैंने कहा था अगर इज है हमारे तो बाद में चेंज होता है, इज किसमें चेंज हो जाएगा बाद में। और डेड का डेड एक बार बोल के चेक करो चेंज हुआ नहीं हुआ। देखो ई स्टूडेंट सेड उस विद्यार्थी ने कहा एक्सक्लेम विद सोरो दुख के साथ इज फ्रेंड वाज डेड इसका दोस्त मर गया अब भी चेंज हो गया। देखो ठीक है शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पसंद आएगा तुम खुद ही कर दोगे ठीक है ना। अगली वीडियो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और मॉडल आ चुकी है सॉरी सेकंड में रह गया। देखो He said, alas, I am undone. E का क्या रहेगा? E. E. Said, alas, दुख वाली बात है। तो क्या आ जाएगा? E C L A I M E D. Exclaimed with sorrow. क्या आएगा? Sorrow. First person subject के अनुसार क्या हो जाएगा? E. E. अब E के साथ क्या आएगा? Was. Was. और undone का? Under. ठीक है? Yes. कर दे रहा हूँ आप लोग शेयर और अगली वीडियो बताएंगे किसमें आएगी ठीक है। थैंक यू।